हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ओ डब्ल्यू एस એટલે કે ઓનલાઈન વર્ક સોલ્યુશન। तो मित्रों आज ना वीडियो में आप बात करीशू के गुजरात पोलिस भर्ती बोर्ड द्वारा LRD એટલે કે લોક રક્ષક દળ માં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ની ભરતી છે તે આવેમ છે। કુલ 12000 જેટલી જગ્યા પર ભરતી છે તે બહાર પાડવામાં આવશે। तो आ ભરતી માટે ક્યા ક્યા ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડશે તે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોનો સવાલ હતો। तो आज ना वीडियो में आप માહિતી મેળવશું કે જે કોન્સ્ટેબલ ની આવનારી ભરતી છે तो तेमा क्या क्या डॉक्यूमेंट जोशे। वीडियो की शुरुआत करिए ते पहला वीडियो गमे तो अवश्य लाइक अने शेयर करी देजो। चैनल में नवा हो तो अवश्य चैनल ने सब्सक्राइब करी देजो। तो चलो मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तो जो ये मित्रों डिटेल में माहिती, तो मित्रों सौथी पहला तो तमारे शैक्षणिक लायकात नु प्रमाणपत्र छे ते रजू करवानु रहेशे। मित्रों 2018 में ज्यारे कॉन्स्टेबल नी भर्ती बहार पड़ी हती तेमा शैक्षणिक लायकात छे ते धोरण 12 पास मांगेल हती। धोरण 12 पास ऊपर भर्ती छे ते बहार पाड़वामां आवेल हती। आगळ मित्रों तमारी पासे बेजिक कॉम्प्यूटर नो नॉलेज छे ते अंगेनुं प्रमाणपत्र रजू करवानुं रहेशे। जो तमे धोरण 10 मां अथवा तो धोरण 12 मां कॉम्प्यूटर सब्जेक्ट साथे पास करेल छे धोरण 10 अथवा तो 12, तो मित्रों ते चालशे। परंतु धोरण 10 अथवा तो 12 मां कॉम्प्यूटर सब्जेक्ट नथी तो मित्रों अलगथी तमारी पासे कॉम्प्यूटर नो नॉलेज छे तेवुं कॉम्प्यूटर नुं प्रमाणपत्र रजू करवानुं रहेशे। त्यार पछी तमारे जन्मनु प्रमाणपत्र छे ते रजू करवानु रहेशे। जो तमारी पासे जन्मनु प्रमाणपत्र न होय तो शाळामांथी जे आपवामां आवतुं लिविंग सर्टिफिकेट छे के जेने आपणे शाळा छोड्यानुं प्रमाणपत्र कहीए छीए ते तमारे रजू करवानुं रहेशे। आगळ मित्रों तमारे रहेठाणना पुरावा तरीके कोई पण एक फोटो आईडी तमारे अहीं आपवानुं रहेशे। जेम के मित्रों आधार कार्ड छे, चूंटणी कार्ड छे, पान कार्ड छे, लायसन्स छे, ते सिवाय मित्रों रेशन कार्ड छे, तेमाथी कोई पण एक डॉक्यूमेंट तमारे एड्रेस एटले के रहेठाणना पुरावा तरीके अहीं रजू करवानुं रहेशे। त्यार पछी मित्रों तमे एसी कैटेगरी अथवा तो एसटी कैटेगरी अथवा तो एसीबीसी कैटेगरी में आवता होय तो तमारे जातिनुं प्रमाणपत्र छे ते रजू करवानुं रहेशे। ते सिवाय मित्रों जो सरकार द्वारा जे अनामत आपवामां आवे छे अने तेनो लाभ तमने मळवापात्र होय तो तमारे जे ते अनामतनुं प्रमाणपत्र छे ते रजू करवानुं रहेशे। जो तमे EWS कैटेगरी में आवता हशो तो तमारे EWS कैटेगरी नुं प्रमाणपत्र रजू करवानुं रहेशे। SCBC कैटेगरी में आवता हशो तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट छे ते रजू करवानुं रहेशे। ते सिवाय मित्रों तमे माजी सैनिक होय तो तमे माजी सैनिक होवा अंगेनुं प्रमाणपत्र तमारे रजू करवानुं रहेशे। जो तमे महिला उम्मीदवार छो अने तमे विधवा छो तो तमे विधवा होवा अंगेनुं प्रमाणपत्र रजू करवानुं रहेशे। जो तमे कोई पण रमतगमतमां भाग लीधेल होय अने तेना तमने मार्क वधारे मळवापात्र थता होय तो ते रमतगमत अंगेनुं प्रमाणपत्र तमारे रजू करवानुं रहेशे। तमे NCC करेल होय अने तमारी पासे NCC-Cનું प्रमाणपत्र होय अने तमने वधारेना गुण मळवापात्र होय तो तमारे ते NCC-નું C सर्टिफिकेट तमारे रजू करवानुं रहेशे। जो तमारी पासे कोई पण रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी द्वारा आपवामां आवेल प्रमाणपत्र छे के जेना लीधे तमने लेखित कसोटीमां वधारे मार्क मळवापात्र छे तो ते प्रमाणपत्र रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटीनुं प्रमाणपत्र तमारे रजू करवानुं रहेशे। तो मित्रों ज्यारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशननो समय आवशे तो तेमां तमारे आटला डॉक्यूमेंट रजू छे ते करवाना रहेशे। तो आशा राखुं छुं वीडियो छे ते पसंद पड्यो हशे। वीडियो पसंद पड्यो होय तो अवश्य लाइक अने शेर करी देजो। चैनल में नवा हो तो अवश्य चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए। फरी मिलीशू एक नवा टॉपिक साथ एक नवा वीडियो में। त्या सुधी जय हिंद।